ग्वालियर में गोले का थाना मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत 22 नवंबर को एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जय श्रीराम मुजौरिया के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। उन्होंने अपने घर के ही चौथी मंजिल पर बने कमरे में फांसी लगाकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इस मामले में जब रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के शव की तलाशी ली गई तो उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था। इस सुसाइड नोट के आधार पर जब पुलिस ने विवेचना की तो इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जय श्रीराम एक गिरोह के चंगुल में फंसे थे। यह गिरोह उन्हें दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। उनसे लगभग 10 लाख रुपए की राशि ऐंठी जा चुकी थी। इसके अलावा उनके पीएफ का पूरा फंड भी मांगा जा रहा था। इन्हीं लोगों से परेशान होकर सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर ने ये आत्मघाती कदम उठाया था। पुलिस ने अब इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। एडिशनल SP राजेश दंडौतिया ने बताया कि इस मामले में संसार खां, आरजू खां, रुखसार, नगमा, रेशमा, पिंटू, सोनू, गुलशन, भैया खां और एक डॉक्टर सतीश गोयल की मिली भगत थी। इन 10 लोगों ने मिलकर उन्हें प्रताड़ित किया जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की थी। पुलिस ने दबिश देकर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये पिछले महीने थाना गोले के मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के द्वारा सुसाइड कर लिया गया था पंखे से लटक के, और सुसाइड करने के बाद फिर इसमें मर्ग कायम किया जाकर इसमें इंक्वायरी चल रही थी और इंक्वायरी में फिर स्टेटमेंट्स लिए गए और सुसाइड नोट भी जब्त हुआ था। उसके आधार पर कल थाना गोले के मंदिर पर IP सेक्शन 306 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें जो बात सामने आई है वो उस बयानों के आधार पर उसमें 10 आरोपी बनाए गए हैं जिनके द्वारा उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, और इसमें उसके पैसे मांगते थे, उसको ब्लैकमेल करते थे, कहीं उसे उसके केस में जो फर्जी जो 376 केस फंसा देंगे, इस तरह की बात आई है। तो इस पर फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगभग कितने लोग आरोपी बनाए गए इसमें? 10 आरोपी बनाए गए हैं जिसमें से 4 लोगों को हिरासत में लिया है।